फेरों से पहले सपनों के जहां में मधुबाला को लेकर आए हैं आरके स्वीट सरप्राइज देने, ये जताने कि उनका आशियाना कितना हसीन है, जिसे उन्होंने फूलों से सजाया है ताकि उनके प्यार में चाहत की खुशबू हमेशा कायम रहे। सरप्राइज करना चाहता था किसी बात पर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसकी क्लैरिटी देने के लिए आरके मधुबाला के सुहाग की सेज तो सज चुकी है, लेकिन इसमें फूल के साथ कांटे भी हैं, जो सीधे आरके के दिल में चुप गए हैं और फूट पड़ा है आरके का गुस्सा। अपने आप प्रेम के क्यों आया था वो? मैंने हकी के जिंदगी में मेरी और मेरे प्यार की जगह देखी, उसकी आंखों में मुझे मेरा प्यार दिख रहा है। क्योंकि सुल्तान के यहाँ पहुँचने के साथ ही खुल गया है मधु का ये राज कि दरअसल इस शादी के पीछे उसका मकसद तो आरके से बदला लेना था। अब तो क्या हो यहाँ से प्लीज जल्दी से अगर किसी इंसान को ज्यादा गुस्सा आता है तो वो कब तक कंट्रोल करेगा, कहीं ना कहीं तो उसे गुस्सा ही है। वेरी अपसेट, क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं उससे बदला लेना चाहती थी, उसे ये नहीं रियलाइज हुआ कि मैं ऑलरेडी अपने आप को चेंज कर चुकी थी, पर आई गेस इट इज टू लेट। इसे कहते हैं सीरियल का ट्विस्ट। मधुबाला, आरके ने आपकी बेवफाई की बातें सुनी लेकिन आपका प्यार नहीं देखा। सुना कि अब मधु का इरादा बदल चुका है, यानी अब मधुबाला चाहे लाख सफाई दे आरके को यकीन नहीं होने वाला। प्यार में घायल इस सुपरस्टार ना जाने आगे क्या करेगा। तो कोई प्लान होगा आगे जो मैं नहीं जानती ऑनेस्टली, कि मधु का दिमाग है ही नहीं इतना कि वो सोच सके ये डायरेक्शन में, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ले लेने की कोई थॉट ही नहीं है उसके दिमाग में, फिलहाल तो कुछ और ही चल रहा है उसके दिमाग में। सुपरस्टार आरके के इसी अगले कदम में छुपा है सीरियल का ट्विस्ट। क्या फिर टूट जाएगी मधुबाला और आरके की शादी, या फिर मधुबाला को अपना प्यार साबित करने के लिए देना होगा इम्तिहान।